नमस्कार, जय सीएससी। मैं समर चौधरी, सीएससी सीकर से। तो साल 2024 ये साल सीकर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, या मैं बोलूँ बहुत ही ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि इस साल सीकर को शिक्षा नगरी का दर्जा दिया गया है। और ये मैं नहीं बल्कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस साल के नीट रिजल्ट में जिस शहर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है या जिस शहर का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो रहा है वो है हमारा सीकर। 29 साल पहले मेरे पापा श्रवण चौधरी, जिनको हम बोस के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक सपना देखा था कि मुझे सीकर को शिक्षा नगरी बनाना है। उस समय लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, एक उपहास बनाया था कि सीकर शिक्षा नगरी कैसे बन सकता है। पर लगातार 29 साल की मेहनत से और डेडिकेशन से सीकर इस साल शिक्षा नगरी घोषित किया गया। और ये साल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे गुरुदेव पंडित हरिनाथ जी चतुर्वेदी, जिनको हम बाबा बोलते हैं, उनका 100वां जन्मोत्सव है। तो उन्होंने ही 29 साल पहले मेरे पापा को एक बीज देके भेजा था कि आप जाएं और सीकर सेखावटी में जाकर शिक्षा की अलख जगाएं और हर एक आम आदमी तक शिक्षा पहुंचाएं और हर एक गांव से डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को साकार करें। और 17 अगस्त 2024 को उनका 100वां जन्मोत्सव है। और ये 17 अगस्त और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस 17 अगस्त संत शिरोमणि मकरीनाथ जी महाराज का भी जन्मोत्सव है। तो इन दोनों फरिश्तों के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 17 अगस्त 2024 को सीएससी विजय ग्राउंड में बाबा और नाथ जी की 6-6 फुट की आदमकद मूर्ति का अनावरण रहेगा, जिसके बाद रक्तदान शिविर भी रहेगा और शाम को 7 बजे तक पुष्पांजलि समारोह भी रहेगा। और इसके उपलक्ष्य में पूर्व संध्या 16 अगस्त 2024 को रात 8:15 बजे यहीं सीएससी विजय ग्राउंड में एक भव्य भजन संध्या रहेगी। तो जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप 16 और 17 अगस्त को समय निकाल कर सीएससी विजय ग्राउंड आएँ और बाबा और नाथ जी की मूर्ति को पुष्पांजलि करके जन्मोत्सव को मनाएं। और इनके जन्मोत्सव को दूर तक फैलाने के लिए और बड़ा बनाने के लिए आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी एक ऐसा इनविटेशन का वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर डालें ताकि ये बात दूर तक जा सके और इस दिन को और खास बनाया जाए। जय सीएससी।